हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो पे। अगर आप भी यूट्यूब के लिए एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल के द्वारा, तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से एजुकेशनल वीडियो बनाया जाता है। एजुकेशनल वीडियो में एक प्रॉब्लम रहती है कि जीके के क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे, जीके के क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे और किस तरह से एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आप एक जीके के क्वेश्चन लेकर कॉपी और करके उसके बाद आपको पेस्ट करके जीके के क्वेश्चन इजी तरीके से बनाना आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्योंकि हम मोबाइल के स्क्रीन पर, तो आपके पास होना चाहिए एक ऐप बिनाइन ऐप। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो लास्ट में हम बताएंगे आपको कि हमारे टेलीग्राम चैनल से किस तरह से आप बिना वाटरमार्क का बिनाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो आपको बताते हैं। देखो, बिनाइन ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखो नीचे दिखेगा प्लस वाला आइकन, तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है। YouTube के लिए बनाना है तो यहाँ से YouTube वाला रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप, चलो आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, तो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पर TikTok वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो TikTok वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेम कर लेना है, जैसे GK बना रहे हैं तो हम GK कर रहे हैं, GK 23। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट मूवी, तो क्रिएट मूवी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखो ये शॉर्ट वाला फॉर्म पर आ चुका है। आप उस तरह से बनाना चाहते हैं 16:9 का, तो उस तरह से आपका बन जाएगा। अगर 9:16 से आप बनाना चाहते हैं तो उस तरह का भी बन जाएगा। सभी रेशियो यहाँ पर दिए गया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। तो मेन प्रॉब्लम होती है जीके वीडियो बनाने में कि आपको जीके के क्वेश्चन कहाँ से लाएँ। तो चलो आपको बताते हैं जीके क्वेश्चन कहाँ से लाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर बैक कर लेना है और आपको अपने मोबाइल पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलो हम यहाँ पर आपको गूगल ओपन करके दिखा रहे हैं। तो गूगल पे आपको क्लिक कर लेना है। देखो हमने क्लिक कर लिया, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है इंडियन जियोग्राफी। देखो हम सिंपली सर्च करके बता रहे हैं कौन सी आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। तो सिंपली हमने सर्च कर लिया इंडियन जियोग्राफी GK इन हिंदी। हमने देखो इसको सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर बहुत सी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, लेकिन आपको इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर देखो दिए गए है जीके हिंदी इन, तो इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। सिंपली हम जैसे इस वाली वेबसाइट को आपको क्लिक कर रहे हैं, तो इस वेबसाइट का हम लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको सिंपली इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। चलो नीचे दिखाते हैं, यहाँ पर सीरीज भी आपको पूरी दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरी सीरीज दिखेगी, आप चाहे जितने क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं। देखो हम जियोग्राफी ओपन किए हैं, तो जियोग्राफी में देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर दिए गए हैं। चलो आपको लास्ट वाला दिखाते हैं, यहाँ पर कितने सीरीज हैं। हर सीरीज में 15-20 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखो आपको ये सीरीज जो दिखा रहे हैं, तो इस सीरीज में देखो आपके यहाँ पर 49 सीरीज है। अगर आप 10-10 क्वेश्चन के वीडियो बनाएंगे तो आपको देखो एक सीरीज में यहाँ पर 15 या 20 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इजी तरीके से बना सकते हैं। चलो आपको फर्स्ट वाले में ले चलते हैं। तो फर्स्ट वाले में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट वाले में ले जाएंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। अब सिंपली इनको क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसी पे क्लिक किए रहेंगे तो आपको यहाँ पर कॉपी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर कॉपी वाला ऑप्शन मिल गया। तो सिंपली इसको स्क्रॉल करके जितना आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं। क्वेश्चन को जैसे हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से चले जाना है बिनाइन ऐप पर। बिनाइन ऐप पे जाने के बाद देखो यहाँ पर हम आपको बिनाइन ऐप पे ले जा रहे हैं। ये बिनाइन ऐप, इस पे आपको आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर उसी क्वेश्चन को आपको पेस्ट कर देना है जो हमने क्वेश्चन कॉपी किया था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देखो सिंपली यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट करके आपको क्वेश्चन को क्लिक कर लेना है। देखो यहाँ पर इस तरह से हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट चेंज करना है। ये सभी फॉन्ट चेंज करने के बाद, ये सभी हम प्रोसेस आपको एक पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस तरह से देखो यहाँ से आप कॉपी करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से बार बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको यहाँ से कॉपी कर सकते हो। बार बार यहाँ से क्वेश्चन लेना है तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हो तो मेन क्वेश्चनों को आपको अपने नोट्स पे, अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर लेना है नोट्स पे, वहाँ पर आपको मेन क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद सीरीज बाय सीरीज आपको उन्हीं क्वेश्चन को वहाँ पर बिनाइन ऐप से बना लेना है। तो चलो हम आपको इस क्वेश्चन को कॉपी करके आपको बताते हैं किस तरह से आपको नोट्स पे करना है। जैसे इस पूरे क्वेश्चन को और ऑप्शन के साथ यहाँ पर कॉपी करना चाहते हो, तो पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर ऑप्शन के साथ यहाँ पर कॉपी कर लेना है। देखो यहाँ पर दिखेगा सिंपली कॉपी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको, आपके पास होना चाहिए एक
नोट्स वाला ऐप है। चलो हम आपको दिखाते हैं। देखो ये हमारा नोट्स वाला ऐप, तो यहाँ पर हम सब क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी राइट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्लिप बोर्ड पर कर लेते हैं, इसके बाद वहाँ से पेस्ट कर करके क्वेश्चन करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको देखो ये नोट्स है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देखो हम जो भी क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पर हम सभी की यहाँ पर राइट कर लेते हैं, जो भी हैं तो हमारे यहाँ पर सभी के लिए राइट कर लेते हैं जो भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेस्ट करने के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन राइट करने के लिए यहाँ पर देखो नीचे दिए गए हैं न्यू नोट्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी कॉपी करके आए हो तो यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। देखो इस तरह से मेन वहाँ से क्वेश्चन आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। अब जिससे संबंधित आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखो इनपुट टाइटल दिया गया है, तो इस इनपुट टाइटल पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको जैसे जीके से बना रहे हैं तो जीके यहाँ पर आपको टॉपिक डाल लेना है, जीके जीएस क्वेश्चन। और इसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अभी नहीं क्वेश्चनों को ले ले, आपको वहाँ को बना लेना है। अगर आप यहाँ से नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट वहाँ से वेबसाइट से भी आपको कर लेना है, लेकिन वेबसाइट से आप बहुत देर टाइम लग जाएगा, आपको वहाँ से क्वेश्चन आप फाइंड करेंगे कौन सा अच्छा है नहीं अच्छा, तो ऑलरेडी पहले से आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लेना है। जैसे इसको ऊपर की तरफ करोगे तो इसमें अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये फर्स्ट वाला कि भूगोल के जनक कौन है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना है। इस तरह से यहाँ चेक कर लेना है कि कौन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को कॉपी करके वहाँ पर आपको राइट कर लेना है। और जो नंबर है तो उन नंबरों को यहाँ पर चेंज कर लेना है। जैसे आप वहाँ पर एक किया, अब इसके बाद इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको आप उसमें कर रहे हैं, तो इसको टू कर लेना। इस तरह से आप बना लेना है, इस तरह से बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से आपको जीके क्वेश्चन बनाना है और कहाँ से आपको ले जाना है। देखो हमने इसमें आपको जियोग्राफी के दिखाया, आप जब इस पर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट से मिल जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपको। देखो यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर दिए गए है, हम जिस पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम जियोग्राफी जीके से लिए हैं। देखो यहाँ पर आप स्पोर्ट से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, साइंस से, देखो यहाँ पर बहुत से हैं, सभी में आपको सीरीज दिखेंगे। जैसे हम आप यहाँ पर आपको फिजिक्स वाला दिखा रहे हैं, फिजिक्स में क्लिक करोगे तो आपको फिजिक्स में इसी तरह सीरीज दिखेगी। और बहुत से क्वेश्चन है, आप अगर इससे वीडियो बनाएंगे तो बहुत से ज़्यादा वीडियो बना लेंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉपी और वहाँ पर जाकर बिनाइन ऐप पर पेस्ट करते जाना है। देखो अगर इसमें हम लास्ट वाला दिखाएं कि कितने यहाँ पर हैं सीरीज के, तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कितने सीरीज हैं, हर सीरीज में 15 क्वेश्चन है। देखो आपको टोटल क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कितने 1846 क्वेश्चन है। अगर आप 10-10 क्वेश्चन के वीडियो बनाएंगे तो आप सोच सकते हो कि कितने आप वीडियो बना लेंगे इजी तरीके से। देखो अभी और क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, टोटल यहाँ पर देखो इस सीरीज में साइंस वाले में 1854 क्वेश्चन है। अब आप सोच सकते हैं कितने आप यहाँ पर बना सकते हैं। सीरीज में देखोगे तो 124 सीरीज है, एक सीरीज में कम से कम 10-15 या 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक, अब देखो इसमें एक कमी कर देते हैं, जो करते हैं बनाते हैं जीके क्वेश्चन, तो उसमें आपको किसी एग्जाम से रिलेटेड बनाना है। जैसे इस अभी जो रिलेटेड ट्रेंडिंग में जो चल रहा है एग्जाम, प्रेजेंट में जो एग्जाम चल रहा है उससे रिलेटेड बनाना, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो आपको ग्रुप डी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है और उसमें लिख देना है ग्रुप डी NTPC जो भी जिससे रिलेटेड चल रहा है, तो उसमें सीरीज आपको बनाना है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। इस तरह से 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन की आप सीरीज बनाएंगे तो उन्हीं आपको जो ऑडियंस है टारगेट में आएगी और आपकी वीडियो ऑलरेडी रोज देखेगी। इस तरह से आपको करना, आप मिक्स में बनाते रहते हो, कभी ये क्वेश्चन कभी वो क्वेश्चन, तो इस तरह से नई ऑडियंस आ पाती है, तो आपको ये मेन फोकस करना है। तो चलो आपको बताते हैं इस तरह से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो हम जो भी नई ऐप आपको बता रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पर वाटरमार्क नहीं दिख रहा है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर वाटरमार्क दिखेगा, तो बहुत से स्टूडेंट को या दोस्तों को जो टीचर हैं पढ़ाते हैं तो उनको प्रॉब्लम रहती है कि हम कहाँ से ये विदाउट वाटरमार्क वाला बिनाइन ऐप कहाँ से डाउनलोड करें। तो हम बता देते हैं कि टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, लेकिन बहुत से डाउनलोड नहीं कर पाते। तो चलो आपको आज बताते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर डाउनलोड करना है। तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको कर लेना है, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है, तो वहाँ पर मिल जाएगा। चलो तो हम जाते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जैसे हम गए तो यहाँ पर आपको दिखेगा हमारा वाला ग्रुप, तो हमारे वाले ग्रुप पे आपको चले जाना है। देखो हम आपको दिखा रहे हैं हमारा ग्रुप ये है, हमारा ग्रुप है श्री राज राहुल टेक, तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे फाइंड करते रहते हैं कहाँ पर है, ये आपको नहीं मिल पाता कि बिनाइन ऐप वाला जो है तो वो कहाँ पर है। तो सिंपली आपको यहाँ पर देखो आपके सामने ऊपर दिख रहा है यहाँ पर 3 डॉट, तो इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सर्च वाला, आपके जो टेलीग्राम है उस पर आपको देखना है, सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपको डाल देना है बिनाइन ऐप, जैसे आप डालेंगे बिनाइन ऐप तो आपको वहाँ पर सर्च कर देना। देखो बिनाइन ऐप डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कीबोर्ड पे सर्च वाला ऑप्शन, तो इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखो आपके सामने दिख रहा है सर्च वाला ऑप्शन, जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिंपली यहाँ पर देखो ले जाएगा, ये है बिनाइन ऐप वाला, ये बिनाइन ऐप वाला APK पड़ा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखो 28 MB का, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको APK पे हमें डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपसे मांगेगा इंस्टॉल करना है, तो आपको इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करेंगे जैसे आपको आपको आ जाएगा आपके उस पर मोबाइल पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा, तो वहाँ से आपको सिंपली आपको वीडियो बना लेना है। तो आई होप आपको ये जो हमने बताया पूरा प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा।
हम जो ये वेबसाइट बता रहे थे जीके क्वेश्चन वाली, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, तथा अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।